गोपालगंज से इसमें की बड़ी खबर सामने आई है, हथुआ राज के चचेरे भाई की हत्या अपराधियों ने की है। जितेंद्र प्रताप शाही को गोली मार दी गई है। मौके पर दलबल के साथ एसडीओ पहुंचे हुए हथुआ थाना इलाके के बबुआ जी कंपाउंड की घटना बताई जा रही है। तो गोपालगंज से इसमें की बड़ी खबर सामने आ रही है, हथुआ राज के चचेरे भाई की हत्या कर दी गई है। अपराधियों ने जितेंद्र प्रताप शाही को गोलियां मारी है। मौके पर दलबल के साथ एसडीओ पहुंचे हुए वही हथुआ थाना इलाके के बबुआ जी कंपाउंड की पूरी घटना बताई जा रही। तस्वीरें आपके सामने हैं, तो हथुआ थाना के तस्वीर आप साफ तौर पर देख पा रहे हैं। हथुआ राज के चचेरे भाई की हत्या अपराधियों ने जितेंद्र प्रताप शाही को गोली मारी है। मौके पर दलबल के साथ एसडीओ पहुंचे वही हथुआ थाना इलाके के बबुआ जी कंपाउंड की घटना बताई जा रही। तो गोपालगंज से इसमें की बड़ी खबर सामने आ रही है, हथुआ राज के चचेरे भाई की हत्या कर दी गई है। अपराधियों ने जितेंद्र प्रताप शाही को गोली मारी है। मौके पर दलबल के साथ एसडीओ पहुंचे। तमाम जानकारी के लिए गोपालगंज से मंजेश इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मंजेश, क्या कुछ जानकारी सामने आ रही है? हां जी, मैं बता दूं कि पूरा मामला हथुआ थाना क्षेत्र के हथुआ बबुआ जी का कंपाउंड की घटना है, जहां पे ये एक घंटा पहले की घटना है। जहां मौके पर एसडीओ पहुंचे हैं, बबुआ जी के एक चचेरे भाई जो जितेंद्र प्रताप शाही थे, जिनको गोली लगी हुई है। एसटी के साथ साथ कहना है की संदिग्ध स्थिति मौत हुई है, इसकी पूरी जांच चल रही है। मौके पर एसटीओ की टीम बुलाई गई है और सब के साथ लाइसेंसी हथियार भी और गोली भी बरामद की गई है। एसटी के साथ पे कहना है कि ये आपसी विवाद या आत्महत्या हो सकता है, लेकिन पूरी मामले पे स्पेशल टीम आ रही है और जांच के बाद ही हो पाएगी कि हत्या हुई है आत्महत्या हुई है। जी जी, शुक्रिया आपका मंजेश तमाम जानकारियों के लिए। तो गोपालगंज की तस्वीरें आप साफ तौर पर देख पा रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीर लगातार कशिश न्यूज टीवी स्क्रीन पर दिखा रहा है। अपराधियों ने जितेंद्र प्रताप शाही को गोली मारी है, हथुआ थाना इलाके के बबुआ जी कंपाउंड की घटना बताई जा रही। तस्वीरें आपके सामने हैं गोपालगंज से, इस वक्त की बड़ी खबर सामने, एक्सक्लूसिव तस्वीर लगातार कशिश न्यूज आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहा है। तो गोपालगंज से बड़ी खबर।